बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। शारदा पक्ष चल रहा है, आप लोग प्रतिदिन सरस्वती माता की आराधना करते हैं, तो उस आराधना को प्रारंभ करके और आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सिद्धार्थ भाई कुछ लोगों को दर्शन कराने के लिए लाए हैं, जिन्होंने अयोध्या के दर्शन पूज्य गणी ज्ञानमती माता के दर्शन करके अपने को धन्य धन्य किया है। ऐसे सभी लोगों के लिए अभी मंगल प्रवचन की सभा भी चलेगी, तो पहले आप लोग मंत्र से आराधना कीजिएगा। ओम रीम दात्सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 जलो दात्सांगमयी सरस्वती माता की जय। अर्घ्य समर्पित कीजिए। जल चंदन अक्षत फूल चरु अर दीप धूप अति फल लावे। पूजा को ठानत जो नर ध्यानत सो नर ध्यानत सुख पावे। शंकर की ध्वनि गण धरने सुनि अंगर चे चुन ज्ञान मई। सो जिन वर वाणी शिव सुख दानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम रीम श्री जिनको जो सरस्वती देवी अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। जलो सरस्वती माता की जय। और अब महालक्ष्मी माता के लिए अर्घ्य चढ़ाइए। भौतिक सम्मान बढ़ाने को कितने प्रयत्न हम करते हैं। चंदनामती अर्घ्य थाल ले इप्सित फल हम वरते हैं। हे लक्ष्मी माता तुम निर्धन को भी धनवान बनाती हो। सांसारिक सुख संपत्ति देकर सबको सम्मान दिलाती हो। ओम रीम श्रीं क्लीं लुम ऐं महालक्ष्मी देवी। इदम अर्घ्यम ग्राण ग्राण स्वाहा। चलो महालक्ष्मी मात की जय। और अब सिद्धार्थ भाई मंगलाचरण करके और सभा का शुभारंभ करेंगे। सिद्धार्थ जी थोड़ी आवाज ठीक। हेलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धश सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनो नीतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रय राधिका पंचैते परमेशिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलं। बोले भगवान ऋषभदेव की, भगवान महावीर की, सरस्वती माता जी की, लक्ष्मी माता जी की, गणी प्रमुख आर्का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की, माता जी के लिए दो लाइन। जिनके उर्मे कल कल बहती गंगा की निर्मल धारा त्याग और शुभ ज्ञान मती से जिन निज को शंगारा
वचनों के मोती बिखराती, युग की पहली बाल सती। मेरा शत वंदन स्वीकारो गढ़नी माता ज्ञानमती, मेरा शत वंदन स्वीकारो गढ़नी माता ज्ञानमती। बोले पूज्य गणी प्रमुख आरका शोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की। सरोवर की शोभा कमल से होती है। आप सबने जो हाथ में कमल के फूल ले रखे हैं, ये सरोवर में खिलते हैं, कीचड़ में खिलते हैं, और कीचड़ से ऊपर होकर के इन कमलों की शोभा बढ़ती है, और इन कमलों से सरोवर की शोभा बढ़ती है। इसी प्रकार से भोजन की शोभा नमक से होती है, सरोवर की शोभा कमल से होती है, भोजन की शोभा नमक से होती है। चाहे कितना अच्छा रसीला भोजन हो, लेकिन अगर उसमें नमक नहीं है तो बेकार हो जाता है। तो सरोवर की शोभा कमल से होती है, भोजन की शोभा नमक से होती है, नारी की शोभा शील से होती है। कोई उद्दंड नारी या उद्दंड लड़की होती तो कहते इसकी आंखों में शील नहीं है। तो नारी की शोभा शील से होती है, और पक्षी की शोभा उसके पंखों से होती है। अगर पंख ना हो तो पक्षी उड़ नहीं सकता। तो इसी प्रकार से समाज की शोभा, देश की शोभा संतों से होती है, और अहिंसा धर्म से होती है। भारतीय संस्कृति हमारी ये कहती है कि संत न हो संसार में तो जल जावे संसार। क्या? संत न हो संसार में तो जल जावे संसार। तो संत समाज को दिशा प्रदान करने वाले होते हैं। आज आप जिस अयोध्या नगरी में आए हैं, ये संत भगवंतों की जन्मभूमि रही है। यहाँ जैन धर्म के तीर्थंकरों ने जन्म लिया, उनमें से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान रहे। भगवान राम ने जन्म लिया, जिन्होंने मर्यादा की रक्षा करके स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम का पद प्राप्त किया। तो जितने भी भगवान बनते हैं वो पहले संत बनते हैं, संत बनने के बाद भगवंत बनते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा निरंतर गुणों से ऊंची उठती है, महान बनती है। एक बार एक संत की सभा लगी थी, तो उस सभा में सब लोग संत का प्रवचन सुन रहे थे। एक भील पहुंचता है वहां, प्रवचन के बाद में सब लोग कुछ ना कुछ नियम लेने लग गए। किसी ने कहा हम बीड़ी नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, शराब नहीं पिएंगे, ऐसे ऐसे नियम लेने लग गए। किसी ने मांसाहार त्याग किया, तो किसी ने कुछ, सब लोगों ने अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार नियम लिया। एक भील था उसमें, वह भी सबकी देखा देखी महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी ने कहा बेटा मांसाहार करने का त्याग कर दो। उसने कहा महाराज मैं तो भील हूँ, मेरा तो काम ही है रोज जंगल में पशुओं का शिकार करना और परिवार का पेट पालना। महात्मा जी ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा, कोई होनहार प्राणी है, इस जन्म में भले ही भील हुआ है, अगले जन्म में कोई महापुरुष होने वाला है। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम एक काम करो, कौवे के मांस का त्याग कर दो। क्या कहा? ध्यान से सुनना कहानी, क्योंकि सिद्धार्थ भाई कभी आपसे पूछ सकते हैं। संत ने कहा कि तुम ऐसा करो कि कौवे के मांस का त्याग कर दो। उसने सोचा इसमें तो कोई कठिन बात नहीं, मैं कौवे का मांस कभी खाता भी नहीं हूं, त्याग कर दिया उसने। और जब त्याग किया तो थोड़े ही दिन बाद उसके परीक्षा की घड़ी आई, पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। सारे दवाई करने के बाद कोई दवाई फायदा नहीं की, तब
एक राजवैद्य ने बताया कि आपको कौवे का मांस खाना पड़ेगा। उसने कहा मैं कौवे का मांस तो नहीं खाऊंगा, देखो मैंने महात्मा जी से जीवन में एक ही तो नियम लिया, अब मैं नहीं खाऊंगा। तो सबने बहुत समझाया, दिन पर दिन उसकी हालत गिरने लगी। तो जो भील था उसकी पत्नी ने सोचा कि मेरे भाई की बात ये ज़्यादा मानते हैं साले साहब की, तो उनको बुलाया कि आप आके समझाइए ये कौवे का मांस खा लें, जब ठीक हो जाएंगे तो फिर से नियम ले लेंगे, क्योंकि मान नहीं रहे थे। उनके साले को बुलाया गया, वो जा रहे थे तो एक जंगल का रास्ता था, जैसे उस जंगल को पार करने के लिए होते हैं वहाँ से एक रोने की आवाज़ आती है, कोई महिला के रोने की आवाज़ आती है, लेकिन दिख कोई नहीं रहा। तब उन महानुभाव ने कहा, जो साले साहब जा रहे थे अपने जीजा जी को समझाने के लिए, उन्होंने कहा भाई कौन रो रहा है, सामने आओ, क्या कष्ट है तो मैं उसका निवारण करूं। वो एक देवी थी, सामने आके कहती है कि देखो मैं इसलिए रो रही हूं कि अभी तुम जिसको समझाने जा रहे हो कि कौवे का मांस खा लो, कौवे के मांस के त्याग के कारण वो इस जंगल के देवता होकर मेरे पति बनने वाले हैं देवता, मैं उनकी देवी हूँ और मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो देवता बनने वाले हैं, और तुम जा कर के उनके नियम को तोड़वा दोगे तो देवता नहीं बनने पाएंगे। तो बोले अच्छा एक भील जो है देवता बन जाएगा, तो उसने देवी को आश्वासन दिया मैं उनका नियम नहीं तोड़वाऊँगा। पहुँचे, बहुत तरह से अपने जियाई को मनाने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि देखो मैं किसी हालत में नियम को तोड़ने वाला नहीं हूँ। अब जब उन्होंने पूरी तरह से देख लिया कि तो नियम नहीं तोड़ेंगे, तो उन्होंने सबको कमरे से निकाल दिया और उन्होंने बताया कि आपकी आयु केवल एक दिन की शेष बची है, और ऐसे ऐसे देवी ने बताया है आप मर करके देवता बनने वाले हैं। बड़ा खुश हो गया वो भील कि इतने कष्ट का शरीर है और मैं मर के देवता हो जाऊंगी, इससे क्या अच्छी और बात हो सकती। उसने कहा जब मेरी एक ही दिन की आयु बची है, मैं सारे ही मांस का त्याग करता हूँ, और सब प्रकार के मांसाहार का उसने त्याग कर दिया। कहानी ठीक से समझ रहे हो ना? और वो अपने समय से ही, जब आयु समाप्त होती तो कोई किसी को बचा नहीं सकता, वो मर गया। अब मर गया, सब लोग रोए धोए सब किया क्रियाकर्म करके, और फिर उसके साली साहब वापिस अपने नगर की ओर जा रहे थे, तो उसी जंगल में पहुँचे। उन्हें उत्सुकता थी क्या वो देवता बन गया होगा, मैं जाके जंगल में देखूंगा। अब वहाँ आए तो फिर से रोने की आवाज़ आई, तो कहते हैं कि अब देवी तू क्यों रो रही है, मैंने तो तेरी बात मानी और उनका नियम नहीं तोड़वाया, अब तो तेरे पति देवता बन गए होंगे। तो उसने कहा यही तो बात है, तुमने जा करके उनके सारे मांस का त्याग करा दिया, तो जो छोटे देवता बनने वाले थे वो तो बहुत बड़े देवता बन गए, इसलिए मैं रो रही हूँ कि वो मेरे पति ना बन करके वो जा करके किसी बहुत ऊंची जाति के देवी के पति बन गए, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। तो उन्होंने बहुत ही इस बात को अच्छा कहा, सराहना की, और अपने नगर में आकर अपने कस्बे में आकर के सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा करके सबको उस कहानी को बताया कि कहानी नहीं है ये, जीती जागती आप भी थी जुबानी है, और इस प्रकार से एक भील ने सारे मांस का त्याग करके वो बहुत बड़े देवता बन गए। आगे जाकर जैन धर्म के इतिहास में वर्णन आया है कि आगे जाके वो मगध सम्राट श्रेणिक बन गए। उस भील का नाम था खदिर सार भील, और धीरे धीरे अपने जीवन का उत्थान करते हुए जाके मगध के सम्राट श्रेणिक राजा बन गए। तो ये सब बातें उनको भगवान के मुख से भी पता चली कि आप किसी जन्म में एक भील थे और ऐसे ऐसे केवल कौवे का मांस छोड़ा, फिर सारे मांस को छोड़ करके, और तुम अब श्रेणिक राजा बन गए हो, और श्रेणिक राजा आगे आने वाले समय में कोई 18,000 साल के बाद इसी अयोध्या नगरी में तीर्थंकर भगवान बनने वाले हैं।
समझे, जैसे ऋषभदेव भगवान प्रथम तीर्थंकर हैं, ऐसे आगे के काल में जा करके वो प्रथम तीर्थंकर महापद्म बनेंगे, ये कहानी है। तो इतिहास हमें बताता है कि सारे धर्मों में श्रेष्ठ है अहिंसा धर्म, अहिंसा परमो धर्मा। आप सब भारतीय हैं और एक जैन परिवार से रिलेटेड हैं, और ऐसे जैन परिवार से रिलेटेड हैं यानी कि आप सिद्धार्थ भाई के यहाँ दुकान पे रहते हैं और आप लोग उन्हीं के परिवारों से हैं, तो आप संबंधित हो गए, हमसे भी संबंधित हो गए। सिद्धार्थ भाई कौन है? कैलाश चंद जी के पौत्र हैं। और कैलाश चंद जी कौन है? ये देश की सबसे बड़ी साध्वी, सबसे बड़ी जैन साध्वी ज्ञानमती माता जी हैं, इनके भाई हैं। समझ गए? जरा ताली बजा दो कैलाश चंद जी के लिए। और इन्हें बचपन में ज्ञानमती माता जी, इनका नाम है ज्ञानमती माता जी, ज्ञानमती माता जी ने बड़ी बहन हो करके छोटे भाई कैलाश चंद जी को खिलाया है गोदी में, इन्हें खाना खिलाया है और इन्हें संस्कार दिए हैं, और इन्होंने अपने परिवार के अंदर संस्कार दिए हैं। इनके पुत्र थे जम्बू कुमार जी, और जम्बू कुमार के पुत्र हैं सिद्धार्थ जैन और अध्यात्म जैन। कहाँ चले गए? इनके बड़े भाई हैं अध्यात्म जैन, तो इन लोगों को भी संस्कार मिले हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप लोग जैन प्रतिष्ठान से संबंधित हो चुके हैं, तो सबको जीवन के अंदर अहिंसा धर्म का पालन करना है। बोलो हाँ, है ना? सब लोग बोलो हाँ। जिनको नहीं करना अहिंसा धर्म का पालन, हाथ उठा दो। सब लोग अहिंसा का पालन करेंगे ना? मांसाहार नहीं करेंगे? नहीं करते हैं ना माता जी? हमारे वहाँ सब शाकाहारी हैं, सब शाकाहारी हैं, नियम है इन लोग का, तभी हम अपने वहाँ ठीक है। कभी शराब भी मत पीना, कभी जुआ मत खेलना, और जो पाप हैं उनको मत करना, ताकि एक जैन प्रतिष्ठान में काम करने का आपको हमेशा हमेशा के लिए लाभ मिले, केवल धन का ही नहीं धर्म का लाभ भी मिले। तो आप सब अपने जीवन में व्यसनों से दूर रहना, यही कहना है। और जो आज अयोध्या आए हैं, ऋषभदेव राम की नगरी में आए हैं, यहाँ लगभग 1.5 साल से ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं। आज पूरा देश इनके ऊपर नाच कर रहा है, गौरव कर रहा है, और जगह जगह से लोग आते हैं केवल ज्ञानमती माता का एक ऐसा आशीर्वाद पाने के लिए। उनका आशीर्वाद आपको सिद्धार्थ जी के कारण इतनी नज़दीकी से ही मिल रहा है। तो अब मैं पूज्य ज्ञानमती माता जी से भी निवेदन करूंगी कि इन सब भैया बहनों को जो यहाँ आए हैं सिद्धार्थ जी के साथ, सबको अपना मंगल आशीष प्रदान करें। इस संसार में अनादिकाल से ये सृष्टि बनी हुई है, अनादिकाल से हम और आप पता नहीं कब से इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। एक बात सब लोग ध्यान में रखना, संसार में गति चार हैं। गति कितनी है? चार गति हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति वो है जो पाताल लोक कहलाता है, जहाँ पर पाप करके जीव जाते हैं, बहुत दुख पाते हैं, और दुख ही दुख, जहाँ केवल दुख ही दुख है, एक सेकंड मात्र के लिए सुख नहीं है, उसे नरक कहते हैं, समझे? अभी यहाँ तीन लोग की रचना बन रही है, उसमें दिखाया जाएगा। हसनापुर में तीन लोग की रचना बनी हुई है, उसमें दिखाया गया है, समझे? जब यहाँ तीन लोग की रचना और उसमें नरक स्वर्ग दिखाए जाएंगे, जब आप लोग फिर आएंगे और देखेंगे। दूसरी है तिर्यंच गति, उसमें पेड़ पौधे आदि सब एक इंद्रिय हैं, और अग्नि वायु आदि सब एक इंद्रिय हैं, और दो इंद्रिय हैं लट केचुआ वगैरह, दो इंद्रिय हैं, समझे? शंख सीप केचुआ आदि दो इंद्रिय हैं, चींटी चीटा आदि तीन इंद्रिय हैं, और भ्रमर मक्खी आदि चार इंद्रिय हैं, और हाथी घोड़े बैल आदि सब पांच इंद्रिय हैं, समझे? ये सब पांच इंद्रिय के प्राणी हैं, और इनके ऊपर दया करना आदि, ये तिर्यंच गति कहलाती है। और मनुष्य गति यह है जिसमें हम और आप हैं, और मनुष्य गति में बहुत भेद हैं, उसमें भी जो है
स्त्री पुरुष आदि सब भेद हैं नाना प्रकार के, ऊंच नीच आदि। और देवगति वो है जहाँ पर सुख ही सुख है, भोजन की जरूरत नहीं है, कंठ से अमृत धारा अपने आप तृप्ति हो जाती है। वहाँ हमेशा जितनी आयु मिलती है, कम से कम आयु 10,000 वर्ष की और अधिकतम आयु जो है असंख्यातों वर्ष की, समझे, उसकी गणना नहीं है, बहुत बड़ी है, लंबी है, जो शास्त्रों के अनुसार सागर आदि से नापी जाती है। तो कुल मिलाकर के ये निश्चित है कि अच्छा और बुरा समझने और सोचने की जो विशेषता है वह मनुष्य पर्याय में है। मनुष्य पर्याय में आप और हम सब सोच सकते हैं कि क्या करना, कहाँ जाना। हस्तिनापुर में 3 लोग की रचना बनी है, हर जाति के लोग वहाँ आते हैं और उनके बच्चे भी आते हैं छोटे छोटे। और जब वहाँ नारकियों को देखते हैं ना नीचे, तो घबराते हैं, कहते हैं ये क्या है, सब आरे से काटे जा रहे हैं, कोई कोई कढ़ाई में तले जा रहे हैं, बहुत कष्ट है। तो उनको बताया जाता है कि ये सब नारकी हैं, जो पाप किया वो नरक में गए, जो हिंसा किया, अंडा खाया, मांस खाया आदि, वो सब नरक में जाते हैं। तो बच्चे कहकर जाते हैं कि हम कभी पाप नहीं करेंगे, कभी अंडे नहीं खाएंगे, कभी मांस नहीं खाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, बच्चे लिख कर जाते हैं। तो बात यही है कि अभी जो आपको सुनाया जा रहा था कैलाश जी का परिचय, मैं आपको बताऊं, यहीं पास में टिकैत नगर है, वो हमारी और कैलाश की सभी की जन्मभूमि है। और हमारी जन्मदात्री माँ वो भी साध्वी बनी है, समझे, हमारी जन्मदात्री माँ भी 13 संतानों को जन्म दे करके, हम सबको जन्म दे करके और सबके ऊपर संस्कार करके, और बाद में वो भी जो है ईस्वी सन 1971 में अजमेर में उन्होंने हारिका दीक्षा ली है। और उनका फोटो ये लगा हुआ है सामने, हारिका रत्नमती का फोटो ये लगा हुआ है सामने, ये हम सबकी जन्मदात्री माँ है, समझे। ये 13 वर्ष तक इस साथी जीवन में रही हैं, हस्तिनापुर दिल्ली आदि पैदल विहार किया है। और उसके बाद में हस्तिनापुर में ही शरीर छोड़ा है। तो बात यही है कि हम और आप ये समझें कि माता पिता से अच्छे संस्कार मिलते हैं, माता पिता अच्छे संस्कार देते हैं, हमें भी माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए, और अच्छे संस्कार मिले तो आज हमारा जीवन साध्वी का जीवन जो है संसार में स्त्री पर्याय में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और बात यही है कि टिकैत नगर में भी हमारे अभी चतुर्मास हो चुके हैं, अभी कौन से सन में हुआ है अभी चतुर्मास, 19 में, इसी सन 19 में अभी टिकैत नगर में चतुर्मास हुआ है। तो हमारा लोगों का आना जाना चलता रहता है, लेकिन साधु जीवन से गृहस्थ का कोई संबंध नहीं रहता है, समझे, बिल्कुल। हमारे लिए वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा के हर संप्रदाय के लोग, हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग, सब अपने हैं, सबके लिए हम लोग जो है स्कूलों में विद्यालयों में ठहरना पड़ता है, हम लोगों को रास्ते में पैदल चलते हैं तो क्या होता है, वहाँ भी विश्वविद्यालय, बड़े बड़े विद्यालय आदि को भी प्रवचन करते हैं, तमाम विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, मांसाहार का त्याग कराते हैं। आदिवासियों में भी अनेकों बार हम लोगों के प्रवचन हुए हैं, हम लोगों ने आंध्र प्रदेश में विहार किया तो आदिवासी लोगों में बहुत प्रवचन हुए और उन लोगों को मांसाहार त्याग कराकर शाकाहारी बनाया। तो बात यही है कि आज भी हम देखते हैं कि जैन साधु या कोई भी साधु, जो साधु हैं, जैन न भी हों अजैन भी हैं साधु, वो सभी शाकाहारी रहते हैं और शाकाहार का नियम देते हैं, सबको शाकाहारी बनाते हैं। तो बात यही है कि संसार में अहिंसा परमो धर्मः, ये सूक्ति याद करके जाना, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। अपनी भारतीय संस्कृति अहिंसा पर टिकी हुई है, अहिंसा से ही हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, समझे। हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान क्या है, अहिंसा। हमारे आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं,
और पहले रामनाथ जी कोविंद थे, हमारे से परिचित थे, अभी आकर यहाँ ठहरे थे दो दिन। ये सब शाकाहारी हैं, पूर्ण शाकाहारी। और हमारे नरेंद्र मोदी जी आदि भी शाकाहारी हैं, आदि योगी शाकाहारी हैं, ये हमें गौरव है, समझे। तो बात यही है कि शासन में, प्रशासन में जो शाकाहारी होते हैं उन पर हमें गौरव होता है, प्रसन्नता होती है। और आप सब जो है इस अच्छे समाज के प्रतिष्ठित लोगों के दुकान आदि में काम कर रहे हैं तो ये भी आपका पुण्य है। काम तो आदमी कहीं भी करता है, लेकिन अच्छे लोगों की संगति मिल जाए तो और अच्छा बन जाता है। तो बात यही है कि आप आज इस अयोध्या में आए हैं। ये अयोध्या सर्वप्रथम तो भगवान ऋषभदेव जो जैन तीर्थंकर थे उनकी जन्मभूमि है। यहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे हैं, जैन तीर्थंकर, जैन भगवान 24 माने गए हैं। और श्री राम आदि जन्मे हैं महापुरुष, और ये भी सब शाकाहारी रहे हमेशा, और शाकाहार का ही नौगे प्रचार किया है और शाकाहार का उपदेश दिया है।